जी रात के 1 बज रहे, बल्कि 1 से भी ऊपर हो रहा है, 1:15, और मैं सो रही थी तो एकदम से फोन आया कि भाई सैरी करने आ जाओ अम्मी क्या। तो जल्दी जल्दी उठी हूँ और अब सैरी करने हम लोग जा रहे हैं। ओके जनाब, हम निकल गए। मैंने जैसा कि बताया कि मैं सो रही थी और एकदम से फोन आया कि सैरी करने आ जाओ, तो बस अब निकल पड़े। और नींद भी आ रही है मगर सैरी भी करनी है और डिशेस काफ़ी हैं मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि जब हम सब माशाल्लाह मिलके बैठते हैं ना तो हमारी जो डिशेस होती हैं, कीमा कढ़ाई बनाने वाला हूँ मैं, कीमा कढ़ाई है और पता नहीं क्या क्या होगा, आप देखेंगे तो मेरा बताओ ना, कीमा कढ़ाई बना रहा हूँ मैं। हाँ भाई, ये कीमा कढ़ाई बना रहे हैं और क्या क्या है? कीमा कढ़ाई है, मलाई, अंडे, पराठे, चाय और बस। ये सिर्फ अभी ऊपर ऊपर की बातें, अभी आगे पता नहीं और क्या क्या होगा। तो हेलो शांजे भी है हमारे साथ, वो भी आपको बता रही है कि हमें अभी अम्मी का घर हमें इतना दूर नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइम इस वक्त मेरे ख्याल से मैंने आपको जस्ट के पास हम पहुंच गए हैं अम्मी के हम हो और बस घर की तरफ चल रहे हैं। अभी हमारी सैरी जो होती है ना बड़ी लश होती है, ऐसा कुछ नहीं होता जो किचन का बाहर ना हो, सब कुछ ला के टेबल पे हम सजा देते हैं। यहाँ शांजे और नन्ना का मिलाप हो रहा है। एक्चुअली ये लोग काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं क्योंकि नन्ना की तबीयत ख़राब थी, तो इनका बस नहीं चल रहा कि झप्पियाँ पप्पियाँ सब कर लें। आज मैं काफ़ी दिनों बाद अम्मी के किचन में आई हूँ और बस बड़े मज़े मज़े की चीज़ें मुझे दिख रही हैं जो कि बन रही हैं सैरी के लिए। टाइम कम है सैरी की के लिए, आई थिंक 2 बज गए। कितने बजे सैरी बंद होती है? 450 तक हमें बंद करना है, तब तक हमें खाते पीते रहना है। तो चलें जल्दी जल्दी तैयारी। देखिए कीमा निकल आया है, टमाटर निकल गया, अभी बनेगा तो पता नहीं हम खाएंगे कब। अंडे निकल आए, अंडों के बगैर हमारी सैरी नहीं होती। और फ्रेश क्रीम भी दिख रही है मुझे, अच्छा शायद चीनी डाल के, अच्छा हाँ वो भी तो फ्रेश क्रीम के साथ पराठा खाने में बड़ा मजा आता है। कढ़ाई चढ़ चुकी है, कीमा डल चुका है और स्पून चाहिए मुझे। माशाल्लाह इतने सारे टमाटर, ऐसा कीमा लाइए बेबी। ओके ये देखें माशाल्लाह से काफी टमाटर इसमें डल रहे हैं। कढ़ाई में हमेशा टमाटर ज्यादा ही डलते हैं और हम लोग तो करते भी बड़ी लाइट सी कढ़ाई, वो लाइट सी सैरी जिसमें हम लस्सी लेते हैं बस, और योगर्ट लेते हैं और क्रीम लेते हैं। और इसके बाद बस तुम मुझे धनिया और मिर्ची काट देना, सही है? कीमा भुन रहा है यार, कीमा बहुत। ओके शायद कीमा हो चुका है, आहा हा हा। ये अभी जब हम पराठों से खाएंगे ना तब आएगा सही मजा। ये बन रही है ठंडी ठंडी लस्सी, दही डल चुका है और ये है मजेदार लस्सी अभी बनेगी। सैरी में लस्सी मिल जाए ना तो मजा आ जाता है। ये बन रही है ठंडी ठंडी लस्सी, क्या बात है। हम लोग बचपन से एक चीज सैरी में जरूर खाते हैं, वो है अंडा और एक और चीज दही के साथ पराठा। और आप लोग घरों में भी खाते होंगे दही के साथ पराठा, तो हमारा फेवरेट है चीनी दही पराठा। और आज हमने मलाई भी मंगाई है, और आज हमने मलाई भी मंगाई है क्योंकि हम कमजोर हो रहे हैं। ऑयल बहुत गर्म हो गया था, नहीं वैसे अंडा इतने में ही था। इतना ऑयल, लोग कहेंगे ऑयल में अंडा बन रहा है या अंडे में ऑयल बन रहा है, क्योंकि हम एक जगह बहुत सारे अंडे बनाएंगे तो हमने ये सही आइडिया, हमने कोशिश की है कि एक ही बार में सारा ऑयल डाल ले ताकि बार बार नहा ना डालना पड़े, इतना सारा माशाल्लाह ऑयल है। मगर आप देखिए परफेक्ट शेप आया है बिल्कुल।
नहीं सबके अंडे जगहों पे रखे जा रहे हैं। आपका वो है अजीम की तरह बुलाओ ना। वन सेकंड शांति, 1 मिनट होंगे कम। वो लकड़ी का रीजन है की उसपे लकड़ी आ जाती है ना, वो लकड़ी का नहीं, वो उसका बाइक वाला नहीं होता बाइक चॉपर खाए के साथ। और ये है मेरी प्लेट पूरी सजी हुई हर चीज़ से, इसमें कीमा भी है, इसमें दही भी है, इसमें क्रीम भी है और इसमें पराठा भी है। सबसे पहले मैंने क्रीम ही खाई है क्योंकि बचपन से मैं ये खा रही हूँ, मुझे बड़े मज़े की लगती है दही और क्रीम, इसमें चीनी मिला के। तो ये है मेरी सहरी, मैंने तो बहुत इन्जॉय करी। आप लोग अपनी सहरी में क्या क्या बनाते हैं और क्या क्या खाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हों। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें। अच्छा लगता है जब कोई सब्सक्राइबर नया आता है। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।